अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल कचौड़ी की सब्जी। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट इसकी ग्रेवी है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आने वाली है। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास, हमने कचौड़ी मंगाई और बहुत सारी कचौड़ी हमारे पास है लेकिन ग्रेवी हमारे पास लास्ट में कम पड़ने लगी है, ऐसा अक्सर ऐसा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं और आपकी ये सब्जी बेहद लजीज आपकी कचौड़ी के साथ में चलने। हलवा स्टाइल में आज हम ये सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रही है कचौड़ी की सब्जी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही इजी और बहुत ही घर के जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं उन्हीं से हम बना करके तैयार करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है 500 ग्राम आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके छील भी लिया है, और छीलने के बाद मैंने इसे मैश कर लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा मैश मुझे नहीं करने की ज़रूरत पड़ी है, इसे मैंने किया है थोड़ा हाथ से तोड़ करके, छोटे छोटे मैंने इसमें कुछ टुकड़े रहने दिए हैं इस तरह के, और कुछ कुछ थोड़ा सा थोड़ा बारीक भी हो गया है, तो हाथ से इस तरह से मैंने क्रम्बल करके इसे तोड़ा है। इसी तरह के आलू की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी कचौड़ी की सब्जी बनाने के लिए, तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ मैंने दो मीडियम साइज की टोमेटोज ले रखे हैं जिन्हें मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है, और यहाँ मैंने ली है हरी मिर्च, तो आप अपनी पसंद से कम ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने अब अपनी यहाँ पर कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है कुकिंग ऑयल, इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा। अब हम डाल देंगे इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई, इसमें हम डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, देगी मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ध्यान रहे मैंने फ्लेम एकदम लो कर रखी है ताकि हमारे मसाले जलने ना। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, हींग 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब हमें मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है, थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं, तो मसाले को अब हमें अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम मैंने हाई कर दी है, मसाले को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और टमाटर भी हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और ऑयल भी सेपरेट हो जाना चाहिए। मसाला तैयार हो गया है, इसमें अब हम ऐड कर देते हैं पानी, क्योंकि हमें ग्रेवी की जरूरत पड़ेगी कचौड़ी वाले आलू के लिए, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 500 ml पानी। अब हमें इसमें बॉयल आने देना है। अब हम देखते हैं कि इसमें बॉयल आने लगा है, अच्छे से ये पक रहा है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपने बॉयल्ड आलू जिन्हें मैंने इस तरह से मैश करके रखा है। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी कम है तो इसमें आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। उबाल आने लगा है इसमें, तो इसे भी हमें 2 मिनट और इसे हम पकने देते हैं, और साथ ही में इसमें हम अब लास्ट में डाल देते हैं नींबू का रस। मैंने यहाँ पर 1/2 नींबू ले रखा है जिसका मैंने रस निकाल लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। 2 मिनट पकने के बाद इसकी गैस ऑफ कर देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया है, तो आप एक बार इसे जरूर टेस्ट कर लें, आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो इसमें आप आमचूर पाउडर, नमक, मिर्च जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए। तो मैंने गैस ऑफ कर दी है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी कचौड़ी की सब्जी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, एकदम डन हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी हलवाई स्टाइल कचौड़ी की सब्जी बनकर एकदम तैयार हो गई है, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी आई है। तो यह आप बना सकते हैं कभी भी जब आपका मन करे, आप इसे रोटी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं,
या फिर अगर आपने कचौड़ी मंगवाई है तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कचौड़ी तो बहुत सारी मंगवाई है लेकिन ग्रेवी हमें उतनी अच्छे से नहीं मिली है, सब्जी हमें थोड़ी कम पड़ गई है। उस कंडीशन में आप घर में इस सब्जी को बहुत ही आराम से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाती है, ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगता बनाने में और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ही ये बनकर तैयार होती है। इस सब्जी को एक बार आप जरूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक बहुत ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।